फरवरी 2023 की रात सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें कुछ लोग गायक सोनू निगम के साथ धक्का मुक्की करते दिखे। यह घटना मुंबई के चेंबूर इलाके में लाइव कॉन्सर्ट के दौरान हुई। इस मामले में उद्धव ठाकरे गुट के विधायक प्रकाश फटपेकर के बेटे स्वप्निल के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। विधायक के बेटे पर सोनू निगम की महिला मैनेजर से बदतमीजी करने और उनके बॉडीगार्ड को धक्का देने का आरोप है। सोनू निगम ने बताया है कि कॉन्सर्ट के बाद वे स्टेज से नीचे आ रहे थे, तभी स्वप्निल ने उन्हें पकड़ लिया। उन्हें बचाने आए हरि और रब्बानी को उसने धक्का दिया। गायक ने कहा, मैंने शिकायत दर्ज कराई है ताकि लोग जबरदस्ती सेल्फी लेने और हाथापाई करने के बारे में ना सोचे। अगर वहां लोहे की रॉड पड़ी होती तो रब्बानी की मौत हो सकती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुंबई के चेंबूर इलाके में उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के विधायक प्रकाश फेटापेकर ने कार्यक्रम आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में सोनू निगम परफॉर्म कर रहे थे, तभी विधायक के पुत्र स्वप्निल फेटापेकर सोनू निगम की मैनेजर सायरा के साथ बदतमीजी करने लगा। स्वप्निल का कहना था कि सायरा को मंच से हटाया जाए। कार्यक्रम में परफॉर्म करने के बाद सोनू निगम जब मंच से नीचे आ रहे थे, तभी स्वप्निल ने उनके साथ सेल्फी लेने की बात कही। इस पर सोनू ने मना कर दिया। इससे स्वप्निल भड़क गया और उसने सोनू और उनके बॉडीगार्ड को धक्का दे दिया। इस धक्का मुक्की में रब्बानी मंच में से नीचे गिर गई, इससे वह चोटिल हो गई। रब्बानी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इस घटना को लेकर सोनू निगम ने कहा कि मुझे एक व्यक्ति ने सेल्फी लेने के लिए कहा, मना करने पर उसने मुझे पकड़ लिया। बाद में पता चला कि वह स्वप्निल फेटपेकर है। मुझे बचाने के लिए मेरे करीबी हरि प्रसाद बीच में आए तो उसने उन्हें भी धक्का दे दिया, फिर मुझे भी धक्का दिया, इससे मैं नीचे गिर गया। इसके बाद मुझे बचाने के लिए रब्बानी आई तो उसने उन्हें भी धक्का दे दिया। वो बाल बाल बचे हैं, वरना उन्हें गंभीर चोट आ सकती थी। इस हादसे में उनकी जान तक जा सकती थी। रब्बानी की किस्मत अच्छी थी कि नीचे कोई रॉड नहीं थी। इस घटना में घायल हुए रब्बानी खान का कहना है, बिना किसी उकसावे के अचानक हमारी टीम पर हमला कर दिया गया। उस व्यक्ति को हम नहीं जानते थे। वह सोनू निगम के पास सेल्फी के लिए आया था। जब उनके बॉडीगार्ड ने इसका विरोध किया तो उस व्यक्ति ने धक्का दे दिया, फिर वह सोनू निगम की ओर आया। जैसे ही सोनू जी ने मुझे पकड़ा, वैसे ही उसने मुझे भी मंच से फेंक दिया। मैं 8 फीट की ऊंचाई से गिर गया। मेरी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है। इस मामले में सोनू निगम ने मुंबई के चेंबूर थाने में FIR दर्ज कराई है। मुंबई पुलिस के DCP हेमराज राजपूत का कहना है कि सोनू निगम की शिकायत के बाद स्वप्निल फेटपेकर के खिलाफ IPC की धारा 341, 337, 323 के तहत मामला दर्ज कर सुनवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यू इंडिया न्यूज। किया तो वीडियो में देखेंगे, राइट हैंड साइड में पहले हरी को पुश किया है, उसके बाद जब मुझे पुश किया तो मैं गिर गया। देखा होगा वीडियो में, मैं नीचे गिर गया हूँ। हाँ, मैं स्टेप पे गिर गया, तो मैं अगर मैं साइड में होता तो मैं गिर जाता। तो मैं स्टेप पे गिरा तो मुझे बचाने के लिए रब्बानी आए, और रब्बानी को तो उसने ऐसे पीछे किया तो उसके बच गया, वो मर जाता। वो अगर नीचे कुछ लोहा होता तो गया था वो, इसलिए बस इसलिए मैंने शिकायत दर्ज की है, इसलिए ताकि लोगों को ये थोड़ा, लेकिन लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि जब किसी को आप जबरदस्ती फोटो सेल्फी करते हैं तो उसके बाद में एरोगेंस और ये धक्का मुक्की। चेंबूर फेस्टिवल के लाइव कॉन्सर्ट परफॉर्मेंस के बाद में सोनू निगम जी जब स्टेज से नीचे उतर रहे थे, तब एक व्यक्ति ने उनको पीछे से पकड़ा। तो इस बारे में सोनू निगम जी के साथ वाले दोनों लोगों ने उसको बाजू करने का कोशिश किया, तब उस व्यक्ति ने दोनों लोगों को स्टेप से नीचे ढकेला। उसमें एक इंसान को इंजरी हुई। इस सिलसिले में सोनू निगम जी की FIR ली गई, जिसमें IPC सेक्शन 341, 323 और 337 इन सेक्शंस के तहत मामला दर्ज हुआ है।